हमें संभाला और आपने, और आपने आज हमें संडे स्कूल में जोड़ा। और जो भी आज दीदी हमें कहानी समझाएंगी और सिखाएंगी, हम उसे सीखे और समझे और हम उन्हें याद रख सके। और जो दीदी ने हमें लास्ट संडे मेमोरी वर्ड्स दिया था, हम उसे अच्छे से सुना सके। और आप नेटवर्क कनेक्शन को बना के रखे, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, आप उनके जुड़ने में सहायता करें। ये छोटी प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सृष्टि। मेमोरी वर्स किस किस बच्चे के याद है लास्ट संडे का? हाँ सृष्टि के और परीरू, मानसी परीरू ही आपके याद है। जूनियर संडे स्कूल वीडियो ऑन कर लो। हाँ सृष्टि सुनाओ। सीनियर्स वालों का नहीं हो रहा यूट्यूब पे, तुम लोग का कर दूँ क्या? क्या दी? सीनियर्स का संडे स्कूल नहीं हो रहा है, मतलब यूट्यूब नहीं हो रहा है, तो जूनियर्स का कर दूँ क्या? यूट्यूब स्टार्ट कर दो जूनियर्स का। दी सीनियर्स का सीनियर। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सीनियर्स का। अच्छा दी ठीक है दी। मुझे निशा एक बार टाइटल भेज देना वो चैट में या किसी में ना। जी दी। क्लास हाँ सृष्टि सुनाओ। स्टार्ट करने के बाद तुमको मैं होस्टिंग दे दूंगी, बंद कर देना यूट्यूब। जी दी। ओके थैंक यू। जी सुनाओ। हाँ सुनाओ। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इब्रानियों 4:14। हाँ वेरी गुड निशा इंटरप्ट सृष्टि। करने, परिरूही निशा सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, यूट्यूब होगा नहीं क्योंकि वो मेन रूम में स्टार्ट होता है, इस रूम में नहीं स्टार्ट हो सकता। ठीक है फिर आप रिकॉर्डिंग वाला डाल देने बाद में। निशा दी। तुम डाल देना रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि अभी होगा नहीं यूट्यूब, मेन रूम से होता है यूट्यूब। अच्छा दी ठीक है दी। हाँ सृष्टि ने सुना दिया। वेरी गुड सृष्टि। मानसी सुनाएगी अब। आओ हम अनुग्रह के तेज आवाज तेज आवाज में। में उनको बोला। वेरी गुड। परीरू आप सुनाओ। परीरू आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। दीदी हम पिछले संडे नहीं जुड़े अच्छा जूनियर संडे स्कूल में आप किसके याद है मेमोरी वर्ड्स? जूनियर संडे स्कूल आप में से याद है बेटा किसी के? चलो हम आज का संडे स्कूल स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रही है स्क्रीन? थम्स अप कर दो। अच्छा तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी तक? आज गेम भी खेलेंगे तो आज जल्दी जल्दी से करेंगे, छोटी सी क्लास होगी, गेम्स भी खेलेंगे, पर उसके लिए आपको कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा। ठीक है तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? आंसर आप देना आज। हाँ बताओ। मिलाप वाले तंबू। हाँ जूनियर संडे स्कूल माइक ऑन करके रखो, जल्दी से आंसर देना। परी रू आप भी। और इससे क्या सीखा था? हाँ सृष्टि बताओ क्या सीखा था? क्या बोला था परमेश्वर ने बनाने के लिए जूनियर से? परमेश्वर ने कहा था मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। हाँ मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। तो क्यों बनाने के लिए बोला था? निवास स्थान क्या होता है?
किन लोगों के बीच में परमेश्वर ने बोला था? इज़राइली लोगों के बीच में, है ना, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में रहना चाहते। क्या परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे अंदर भी निवास स्थान बनाना चाहते हैं? यस बना दीदी, कहाँ पर? हमारे दिल में और हाँ, हमारे वेरी। अंदर। हाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है टेंट में लोग रहते थे ना, आपको दीदी ने बताया था, उसके बीच में परमेश्वर ने बोला मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, है ना। और यस उसमें दीदी, कितने स्थान होते थे? सबसे बाहर जो होता था वो आंगन, और अंदर दो स्थान, जिसमें सबसे पहले पवित्र स्थान और दूसरे नंबर पे परम परम पवित्र। स्थान। और परम पवित्र स्थान में जो सबसे अंदर वाला था, उसमें क्या रखा हुआ होता था? साक्षी पत्र का संदूक। हाँ, जूनियर संडे स्कूल, आंसर दो, सामने देखो, परिरूही वीडियो ऑन कर लो, सृष्टि क्या हुआ वीडियो ऑन कर लो। और क्या होता था उसमें? ये तीन किसमें रखे हुए होते थे, परम पवित्र स्थान में या महापवित्र स्थान में? या पवित्र स्थान में पवित्र, दो ऑप्शन दूंगी और जूनियर संडे स्कूल बताएंगे, ये तीन चीजें कहाँ रखी थी, पवित्र स्थान में या परम पवित्र स्थान में? माइक ऑन कर लो बेटा। माइक ऑन कर लो बेटा, जूनियर संडे स्कूल, परिरूही, आप बताओ कहाँ रखी हुई होती थी तीन चीजें? ये रखी हुई होती थी पवित्र स्थान में। कहाँ पर? पवित्र स्थान में। पवित्र बोलो कहाँ पर? पवित्र स्थान स्थान में। में, मेज। कौन, क्या तीन चीजें थी? दीवट, धूप बेदी और मेज, होम तीन चीजें। और बाहर ये क्या है? ये बाहर क्या है? वेदी होदी और ये कहाँ रखी होती थी? आंगन में। कहाँ रखी होती थी? आंगन में, आंगन में। और जो आंगन पवित्र स्थान थे और परम पवित्र स्थान थे वो कहाँ थे? इस मिलाप वाले तंबू में, ठीक है तंबू के अंदर। ना। अब देखो, अब इसके चारों तरफ ये क्या दिख रहा है आपको, मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ ये क्या दिख रहा है? बाउंड्री दिख रही है ना, व्हाइट कलर की, ये जो दिख रही यस है व्हाइट दीदी, कलर की दिख रही है ना, थम्स अप करके बताओ। हाँ, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है ना, ये बाउंड्री बोली थी परमेश्वर ने बनाने के लिए। और ये किस किस कलर की है, व्हाइट कलर की है या रेड कलर की? व्हाइट कलर की। हाँ, व्हाइट कलर की। परमेश्वर ने बोला था कि सफेद रंग के, और ये भी, इसमें भी पता है परमेश्वर ने बोला था एक सनी का कपड़ा आता, लिनेन बोलते हैं इंग्लिश में, लिनेन का बनाने के लिए, उस कपड़े का बनाने के लिए। वो कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट होता है, और जैसे आप कॉटन के कपड़े पहनते हो ना गर्मी में, जिससे आपको गर्मी नहीं लगती, उससे भी सॉफ्ट होता है लिनेन का कपड़ा। और इसको पता है कहाँ से लिया जाता है? इसको एक, इसके पेड़ उगाए जाते हैं, ये दिख रहा है ना आपको। और इसके इससे कपड़ा बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको झाड़ना होता है, और इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। देखो यहाँ पर, ये कितना बड़ा खेत है ना, यहाँ पर ऐसे उगाया जा रहा है, इसको झाड़ेंगे, इसको ऐसे मार मार के इससे अलग करेंगे, और फिर इससे बहुत मेहनत करने के बाद ये कपड़ा बनाया जाता है। और ये कपड़ा पता है बहुत महंगा भी होता है। तो कौन सा कपड़े का बनाने के लिए बोला परमेश्वर ने? लीनेन। लीनेन लिनन, कौन से कपड़े का? जूनियर लिनन। संडे स्कूल, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक ऑन करवा लो दीदी से। लीनेन कौन से कपड़े का बोला बेटा? लिनन, सनी के कपड़े का। और ये जो फसल होती थी ना, इसका नाम होता था फ्लक्स, इंग्लिश में फ्लक्स, ये दिख रहा है ना आपको। देखो इससे इसको झाड़ेंगे, ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारी वो होगी तब इसका कपड़ा बनाया जाएगा। तो परमेश्वर ने बोला था कि ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है ना, इसे लीनेन, लीनेन के कपड़े का बनाना, व्हाइट कलर के, ये दिख रहा है ना आपको, ये चारों तरफ बाउंड्री जो दिख रही है देखो। और इसमें कितना गेट है जाने का? एक ही गेट था, ये वाला जो गेट है, ये गेट दिख रहा है ना आपको, एक ही गेट था इसके अंदर जाने का। आपके घर में कितने गेट हैं, गिन के बताओ जल्दी से। सबसे पहले परी बताएगी, परी आपके घर में कितने गेट हैं अंदर आने के? दो दो, वन, गेट है। अच्छा, सृष्टि आपके घर में? अच्छा, एक। हमारे घर में भी हाँ एक है, एक बंद रहता है। दूसरा, जूनियर संडे स्कूल में? आदि आप बताओ, आपके घर में कितने गेट हैं? वन।
हाँ वन। और बताओ आपके बराबर में कौन बैठा है? फाइव। फाइव कौन बोल रहा है? ऐसे करके बता दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। कितने गेट हैं? दो या तीन? टू या थ्री? बताइए। अच्छा, तो इसमें ना वन गेट था, एक ही गेट था, और ये परमेश्वर ने बोला था कि ऐसे चारों तरफ बनाना। ठीक है, परमेश्वर ने क्या बोला था? ऐसे चारों तरफ ना ऐसे बनाने। ये क्यों बोला होगा? चलो आप ये बताओ, आप अपने घर की चारों तरफ की दीवार ऐसे क्यों करते हो? आप अपने घर को खुला क्यों नहीं छोड़ते? क्यों लगाते हो गेट आप? हमारा सामान चोरी हो जाता है। और सामान कोई और कोई भी, हमारा सामान चोरी ना हो। हाँ कोई भी जानवर आके घुस जाएगा, है ना? जैसे आपने सुना होगा ना, भेड़िया आके उठा के ले जाते हैं बच्चों को जिनके घरों में गेट नहीं होता। घरों में क्या लगाया जाता है? गेट लगाया जाता है ना, ताकि कोई जानवर ना आ जाए, कोई भी ऐसे आकर घुस ना जाए। तो ऐसे ही परमेश्वर ने बोला था कि इसके चारों तरफ भी ना एक बाउंड्री बनाना, ताकि कोई जानवर कोई भी ऐसे आके ना बढ़ जाए। और एक ही गेट था, है ना? यहाँ पे भी जो याजक लोग थे ना, वो पहरा देते थे। तो ठीक है, इतना आ गया समझ? अब जल्दी से चलो एक गेम खेलेंगे, इसमें गिन के बताओ, इस साइड में गिन के बताओ ये कितने खंबे हैं। जो खंबे हैं ना जिनसे इनको बांधा गया है, कितने हैं? बोलो, ये बोलो, गिनो। 1, ऐसे मैं जिस पे वो रख रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितने खंबे हैं? 20। और यहाँ भी पता है 20 है, यहाँ भी 20 है यहाँ पे। और ये कितने हैं? ये वाले गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही गिने मैंने 10? यस दीदी। जूनियर संडे स्कूल क्या हुआ बेटा? आज आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दीदी से माइक ऑन करा लो। अच्छा, तो ये देखो ऐसे ना, 10 थे, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, है ना? और ये ना परमेश्वर ने बोला था कि इतने इतने ऐसे ऐसे ही बनाना। तो कितने गेट थे? वन गेट था, एक ही गेट था अंदर जाने का मिलाप वाले तंबू में। और यहाँ भी ना याजक लोग, जो याजक थे वो पहरा देते थे कि कोई ऐसे ही ना आ जाए। तो अब फिर क्या हुआ? देखो यहाँ पे दे रहे ना, यहाँ पे खड़े हुए होते थे गेट पे, और जो जो अंदर जाना होता था वो याजक से पूछ के फिर वो अंदर जाता था बलि चढ़ाने के लिए। ठीक है, और यस आप दीदी। देखो ये गेट है ना, आपके घर में भी ऐसे ही गेट होगा ना अंदर जाने का, है ना? और फिर ऐसे ही इससे हम क्या सीखते हैं कि अंदर जाने का, परमेश्वर कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं ना परमेश्वर। और हमारे हमारे बीच में हम अपने पापों के कारण क्या हो गए हैं? परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो यीशु मसीह कौन है? वो रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। क्या है यीशु मसीह? गेट है परमेश्वर तक, गेट है परमेश्वर तक पहुंचने का। तो अगर हमें परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें यीशु मसीह के पास जाना होगा, यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाना होगा, यीशु मसीह के सामने अपने पापों की माफी मांगनी होगी, है ना? और यीशु मसीह पता है हर हर रोज आपके पास आकर खटखटाते हैं। कि हम बहुत बार ऐसा करते हैं ना, फोन में लगे जाते हैं मीटिंग के टाइम पर, या कुछ करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। यीशु मसीह बोलते रहते हैं कि मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और फैमिली प्रेयर में बैठो। लेकिन हम बहुत बार परमेश्वर की आवाज़ सुनते नहीं है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मसीह। अच्छा, अब आप एक बार एक गेम खेलेंगे, ध्यान से इसको फिर से देखो, इसकी शेप को फिर से देखना, बाउंड्री की शेप को। देख ली? देख ली? अच्छा, अब एक गेम यस खेलेंगे, दीदी। इस वाली ये जो शेप है, इसमें बताओ वो जो बाउंड्री थी वो उसकी शेप कौन सी थी? ये क्या है? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू ये क्या है? सर्कल। सर्कल। ये क्या है? ट्रायंगल। स्क्वायर। स्क्वायर। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। सर्कल। और ये क्या है? और ये क्या है? हार्ट। हाँ, हार्ट। रेक्टेंगल। सर्कल। तो कैसी थी बाउंड्री की शेप? हाँ, रेक्टेंगल। वेरी गुड, रेक्टेंगल शेप की थी, है ना? और ये देखोगे, ये गेट वो रास्ता है ना,
जिस गेट से वो जा सकते थे, वो भी पता है परमेश्वर ने। इसमें कौन कौन से आपको 3 कलर्स दिख रहे होंगे, कौन से कलर हैं? रेड व्हाइट और ब्लू। व्हाइट को छोड़ के रेड, ब्लू और एक और कलर है। पर्पल कलर है ना, ये वाला पर्पल कलर। तो परमेश्वर ने बोला था कि इन्हीं 3 कलर का गेट बनाना। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसे क्यों बोला था कि इसी कलर का? क्योंकि परमेश्वर चाहते कि सब कुछ परफेक्ट हो। और हाँ, जो व्हाइट कलर है ना, ये जो व्हाइट कलर है इसमें देखो, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, चारों तरफ रेत ही रेत दिख रहा है ना आपको। देखो चारों तरफ क्या दिख रहा है, रेगिस्तान दिख रहा है ना, ये दिख रहा चारों तरफ क्या है, रेगिस्तान। तो बहुत आंधी भी आती होगी, हवा भी चलती होगी, तो इसपे दाग भी लग जाते होंगे है ना। व्हाइट कलर पे तो जल्दी दाग लगेंगे ना। लेकिन व्हाइट कलर देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि व्हाइट कलर का क्यों बोला परमेश्वर ने कि इस पे दाग बहुत जल्दी दिख जाता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने, हमारे ऊपर एक भी दाग ना हो। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जब हम कोई गलत काम करते हैं और हम झूठ बोल देते हैं ना, होमवर्क, अगर ट्यूशन में होमवर्क करके नहीं आते तो हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि होमवर्क वाला पेज फाड़ देते हैं, जिससे होमवर्क ना करना पड़े। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानना चाहिए है ना, कि यीशु मसीह मैं मानती हूँ, मैं पापी हूँ। और फिर 3 कलर का परमेश्वर ने गेट बनाने के लिए बोला था, कौन से कलर का? पर्पल, रेड और ब्लू, ब्लू। रेड हाँ, अब अच्छा, इस ब्लू कलर क्या दिखाता है? ब्लू कलर का आप क्या देखते हो? ब्लू कलर की कुछ चीज उठा के लाओ। ब्लू कलर की, मानसी ने तो ब्लू कलर का ही पहना हुआ है। और बच्चे लाओ, ब्लू कलर का कुछ दिखाओ मुझे। हाँ, वेरी गुड सृष्टि, ब्लू कलर का क्या है ये? बैग है, बैग। हाँ, और परीरोही की आप क्या दिखा रहे हो? हाँ, टेडी बियर। तो ब्लू कलर आपने देखा है? ब्लू कलर किस इसका है, किस कलर का होता है, किस कलर? ब्लू। ब्लू कलर का। तो और इसका आप आसमान को छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो आसमान को दिखाता है ना कि परमेश्वर महान है जो स्वर्ग में रहता है। और दूसरा कलर कौन सा था? पर्पल कलर। पर्पल कलर पता है किसको दिखाता है? रॉयलिटी, यानी कि जो आलीशान, जो बहुत बड़े बड़े महलों में राजा लोग रहते हैं ना, उसको दिखाता है। कौन सा कलर? पर्पल कलर। और रेड कलर आगे हम देखेंगे किसको दिखाता है। अच्छा, एक और गेम, इसमें बताओ रेड कलर के कितने पर्दे हैं? जूनियर संडे स्कूल, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप ऐसे करके दिखा दो कितने पर्दे हैं। हेलो आवाज हाँ, बेटा, हेलो। हेलो, 1 मिनट, मेरे पहले बोलो अब बोलो, आवाज आ रही है बेटा आपकी, आप बोलो, नहीं आप बोलो आ रही है, बेटा। बोलो बोलो, आप इतने आ रहे ना बेटा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बोलो। अच्छा, आप बोलना जूनियर संडे स्कूल, आप कितने कलर के रेड कलर के पर्दे दिख रहे हैं आपको? इसमें तो आ रही है बेटा, यहाँ पर बोल दो, फाइव एक मिनट, नहीं आ रही थी आवाज। अब हाँ, दी अब आ रही है। आ रही है, अब आ हाँ रही जी, है, चलो बोल दो, बताओ पढ़ते क्यों, पर्दे कौन कौन से कलर के दिख रहे हैं? कितने कलर रेड कलर के, कितने हैं रेड कलर के, गिनो। टू फाइव दीदी, फाइव थ्री अच्छा, फाइव थ्री एक तो ये वाला है, वन वन ये हो गया, टू थ्री चलो दूसरा ये हो गया, और कौन सा है? एक साइड में ब्लू, दूसरी नहीं, रेड साइड बस, में बस रेड, ये वाला। यस दीदी, अच्छा, थ्री, सेवन और ये फोर फोर। अच्छा चलो, एक और गेम खेलते हैं। इसमें बताओ रेड कलर के कितने हैं? लूडो खेलते हैं ना, टू थ्री फोर फोर। फोर फोर, फोर, वेरी गुड। और कौन सा कलर था रेड के अलावा? बताओ ग्रीन
नहीं, उसमें कौन सा कलर था? गेट में, गेट में पर्पल कलर के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 वेरी सिक्स गुड दादी, आदि है ना आपका नाम, वेरी गुड। और वो एक और कलर था, कौन बताएगा? एक और कलर था, येलो नहीं येलो नहीं, ब्लू 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 बताओ। वन टू नहीं थ्री फोर फोर ध्यान से देखो, सिक्स देखो ये छुपे हुए छोटे छोटे से छुपे हुए ना, ध्यान से देखो। हाँ सिक्स, वेरी गुड, आपने बहुत देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अच्छा अब इसमें बताओ रेड कलर के कितने हैं? आप छोटे बच्चे बताएंगे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया। हाँ रेड कलर के, हाँ वेरी गुड, 5, वेरी गुड बेटा। अच्छा ये क्या है स्काई, ये किसको दिखाता है? ब्लू कलर को, किसको? ब्लू हाँ सामने देखो, मंस ब्लू कलर को दिखाता है कि परमेश्वर सर्वोपरि है। और पर्पल कलर किसको दिखाता है? कि परमेश्वर राजाओं का भी राजा है। राजा लोग तो एक दिन मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नए राजा आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर महान राजा है, जो जो अनंत काल के लिए, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो महान है, राजाओं के भी ऊपर राजा है ना। और रेड कलर दिखाता है ब्लड को, लहू को। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, अपना बलिदान किया, ताकि हम अपने पापों की माफी पा सके, है ना, परमेश्वर से, हमारा, हम परमेश्वर के फिर से दोस्त बन सके, है ना। अच्छा अब एक और गेम खेलेंगे फिर से, इसमें क्या क्या है? बिस्किट बताओ कितने हैं? बिस्किट ये रखे हुए ना, बिस्किट कितने? अच्छा देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा एक ये रखा हुआ, 10। अच्छा इसमें लड्डू बताओ कितने हैं, ये वाले इस प्लेट में कितने हैं? सिक्स इसमें 1 2 3 4 5 6, हाँ इस वाले में, सेवन इसमें इसमें लड्डू, सेवन हाँ वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। अच्छा ये छोटा सा जो रखा है, 7, हाँ वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। और बाहर और क्या रखा हुआ था? ये दोनों चीज कहाँ रखी हुई होती थी? बंगन आंगन में। और ये क्या थी? ओमवेदी हाँ होम वे, इसपे क्या चढ़ाते थे? वो बलि चढ़ाते थे है ना, वो लाते थे। ये कौन खड़े हुए हैं व्हाइट ड्रेस पहने हुए? ये तीन कित कौन है, याजक या महायाजक? महायाजक तो देखो ये वाले हैं, जो ब्लू ड्रेस पहन के खड़े हुए हैं ना, ये महायाजक की ड्रेस है, ये याजक है ना। ये दीदी ने आपको बताया था ना कि वो कैसे बलि चढ़ाते थे, वो अपने पाप, वो इस एक भेड़ लाते थे, उसके सर पे हाथ रखते थे और परमेश्वर से बोलते थे कि मैंने अपने पापों को इस भेड़ पर डाल दिए, आपको दीदी ने बताया था। और ये क्या होती थी? होदी। इसमें क्या करते थे? कौन होली कौन हाथ धोते थे? हाथ धोते थे कौन कौन? याजक और महायाजक है ना। और महायाजक इसमें ना देखो, एक नीचे ना इस तरह से बनाया गया था शीशे की तरह, ताकि जब याजक और महायाजक अपने हाथ पैर धोए तो इसमें ना उनका फेस भी दिखे। देखो यहाँ पे ये क्या दिखाता है हमें, अगर हम इसका आत्मिक अर्थ देखे ना, ये दिखाता है कि हमें अपने आप को जांचना है। जब संडे स्कूल में आपको लेसन सिखाया जाता है, आपके फैमिली प्रेयर होती होगी, तो मम्मी पापा आपको सिखाते होंगे ना कि आपको कैसे रहना चाहिए, है ना, कैसे ध्यान से सुनना चाहिए और कैसे वचन पढ़ना चाहिए। आप मेमोरी वर्स याद करते हो और स्कूल में जाते हो, तो हमें देखना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं। जब हम मैं कहीं समय तो बर्बाद नहीं कर रही, मैं ज्यादा यूट्यूब तो नहीं देख रही, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ या नहीं, मैं स्कूल में किसी से लड़ाई तो नहीं कर रही, मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात तो नहीं कर रही, तो ऐसे ना हमें अपने आप को जांचते रहना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे ही याजकों को बोला था। और अच्छा आप इससे हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर के वचन से हमें अपने आप को
जांचना है परमेश्वर के वचन से, मैं आपको अपने आप को जांचना है ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहते हैं कि हम भी उनके बच्चे बने, हम भी पवित्र बने। और ये कहा रखी होती थी, ये अगले संडे देखेंगे वाला, ये कहा रखी होती थी पवित्र स्थान में, ये कहा रखी पवित्र होती स्थान में दीवट है ना। अभी बुझी ये जली हुई है, बुझी हुई है दीवट? हुई है। हाँ, इसको ना जलाते थे, ये हम ना अगले संडे देखेंगे इसको क्यों जलाते थे, क्योंकि जहां पर ये रखी हुई होती थी ना, वो दिन में भी बहुत अंधेरा होता था मिलाप वाले तंबू के अंदर, क्योंकि उसको उस पे ना बहुत सारे कपड़े ऊपर से ढके ढके हुए थे। अब ये नेक्स्ट संडे देखेंगे कि ये परमेश्वर ने बोला था कि तुम जगत की ज्योति हो, कि हमें भी चमकना है इस संसार में। अच्छा, आप गेम खेलेंगे, फिर देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। इसमें आपको 10 चीजें बतानी है छुपी हुई, है ना, जल्दी से बताओ। इसमें ये कहाँ दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का, ये क्या बोलते हैं इसको, ये कहाँ दिख रहा है आपको? रैबिट के ट्रॉली में हाँ, वेरी गुड, ये रहा। और ये ग्रास कहाँ पे दिख रही है, ये वाली? घर के बगल में घर के पास वेरी गुड, वेरी गुड, ये रही। और ये थर्ड नंबर वाला? हाँ, लोमड़ी के पीछे चूरज वेरी गुड। और ये? हाँ, के बगल वेरी गुड, दो दो है ना। और ये में। ग्रीन? दे दीदी लोमड़ी के हाथों के आगे हाँ, वेरी गुड। कितनी है, कितनी आधी? थ्री थ्री, सूरज थ्री, वेरी गुड। और ये? हाँ, के वेरी गुड, बर्फ में बादल ये रहा ऊपर। और ये सन? के पास हाँ, कैसे कर रहा है, करके बताओ कैसे कर रहा है, स्माइल, स्माइल करके बताओ सभी बच्चे। हाँ, वेरी गुड परी रूही, स्माइल करके बताओ आदि, जैसे ये सन कर रहा है। हाँ, वेरी गुड। और ये तो दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सा है ना। और ये कहाँ पे, ये भी, ये रहा। चलो अब नेक्स्ट वाला खेलते हैं, वाला सिंपल हो गया। ये वाला बताओ, इसमें कहाँ दिख रही है मधुमक्खी? मधुमक्खी, पेड़ पेड़ की टहनी के पास हाँ, वेरी गुड, ये रही। और ये जोकर? हाँ, ये रहा, वेरी गुड, के नीचे वेरी गुड मानसी। और ये बुक? लोमड़ी के हाँ, वेरी गुड। और ये फ्लावर? लोमड़ी के आगे हाँ, वेरी गुड। और ये क्या है, टमाटर? ये लोमड़ी के पास है अच्छा, ये रहा। हाँ, और ये पेड़ छोटा सा? चिड़िया के नीचे नहीं हाँ, वेरी एग गुड। और ये पेड़ पे लटका है मधुमक्खी क्या है वैसे, इसको क्या बोलते हैं? आप जूनियर संडे का स्कूल में छत्ता आंसर मधुमक्खी देंगे, वो चुप बैठे हुए हैं। ये क्या है बेटा, ये लटका हुआ है, कौन रहता है इसमें? मधुमक्खी। हाँ, वेरी गुड। और ये कहाँ पर उड़ रहा है, ये रहा। चलो अब ये वाला तो सिंपल सा हो गया, तो कोई भी बता देगा। अब नेक्स्ट खेलते हैं, इसमें बताओ, ये फर्स्ट वाला, ये दिल की शेप का कहाँ दिख रहा है? हाँ, ये रहा गुब्बारा। क्या हुआ सृष्टि परी रूही, आप बताओ। और ये कहाँ दिख रहा है? पता हाँ, ये रहा, वेरी गुड मानसी। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, जिससे पानी डालते हैं? लड़की हाँ, के लड़की के हाथ में। और ये जो, ये वाला? हाँ। हाथों में जमीन पे और ये डब्बा सा? था लड़के के बगल में हाँ, वेरी गुड। और कैंची? लड़की मम्मी की जेब में। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया आप बच्चों आपने। अच्छा, आप इस बच्चे की तरह जल्दी खड़े होकर स्माइल करके दिखा दो एक बार, जैसे ये हाथ करके खड़ी हुई है, जैसे ये खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे करके, जैसे बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है ऐसे। हाँ, एक हाथ सीधा और एक हाथ। हाँ, वेरी गुड बच्चों। सृष्टि आप भी, मानसी आप भी, फोन रख दो सामने जल्दी से। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ऐसे स्माइल करते हुए रहे, है ना, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जल्दी से करके दिखाओ सृष्टि। वेरी गुड जूनियर संडे स्कूल, आपने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड। तो आज हमने क्या सीखा, अब हम ये देखेंगे, है ना। अब जल्दी से बताओ, आज हमने क्या सीखा, क्या सीखा सृष्टि?
सृष्टि परी रुई आप बताओ। हाँ जी मैं बताऊं, दी बताओ। जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों से ये मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा था, हमें भी ऐसे ही आज्ञा माननी है प्रभु की। हाँ और परी रुई आप और परमेश्वर तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह हमारा दरवाजा हाँ वेरी गुड। एक वे की दरवाजा है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, वो है यीशु मसीह। और जूनियर संडे स्कूल आप में बताओ क्या सीखा। आप बताओ मानसी क्या सीखा। हाँ वेरी गुड। तो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। और आंगन में ये जो ये परमेश्वर ने ना हर चीज, जैसे ये 20 बनाना, ये परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे डिसिप्लिन में रहे। ऐसे मैं भी बहुत समय बर्बाद करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो परमेश्वर ने एक एक चीज ना ऐसे ही बोला था कि इतनी चीज रखना, इतने खंभे लगाना, इसको ऐसे बांधना, इसको ऐसे कपड़े से करना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी ऐसे परमेश्वर की आज्ञा माने जैसे उन्होंने मानी, है ना लिनन। और क्यों क्यों आज हमने क्या सीखा, आज की हमारी सीख है पहला पत्रस 1:16, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। परमेश्वर चाहते कि हम पवित्र जी बने। आप परी रूही मेमोरी वर्स कराएंगी। परी कराओ बेटा, आप पढ़ के बताओ सामने। जानती हूँ हाँ कि क्या करनी क्या है। बोलो परी। मार्ग हो सत्य और जीवन। और सत्य, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कोई बिना मेरे दो कोई कोई बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हाँ। चौदह 46। वेरी गुड परी रूही। रोहित परी अच्छा वेरी गुड रूही। परी कहाँ पे, परी भी कराएगी। देवरा अच्छा इतने सृष्टि कराएगी, इतने परी आ रही है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। हाँ वेरी गुड। जूनियर संडे स्कूल आप में कराओ। हाँ वो सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। हाँ नाम क्या है बेटा आपका। सीओन सियोन। वेरी गुड सियोन। और परी आ गई। अच्छा वैसे बोलो आदि कराएगा, आदि आप कराओ। चलो आदि मेरे पीछे बोलो। मार्ग और सत्य दोनों बोलो ब्लैक और बोलो। जीवन अब जीवन मैं ही मार्ग और हूं, सत्य और जीव मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा। बोलो बिना मेरे द्वारा द्वारा आदि, बिना मेरे द्वारा पिता कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। के पास नहीं, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। योहन्ना 14:6, 14:6। यूहन्ना 14:6। हाँ वेरी गुड। तो आज हमने क्या सीखा कि एक ही रास्ता है, द वे ट्रूथ एंड द लाइफ, जॉन 14:6। ये आपको अपनी ड्राइंग में बनाना है, जैसे इसमें कलर और ये डॉट डॉट लगी हुई है ना येलो कलर की, ऐसे डिजाइन बना के तो कर लोगे आप। यस बस दीदी, है हाँ, है ना। चलो लास्ट की प्रार्थना करेंगे। कौन करेगा, मोनिका दी आप हो, आप करोगी। अच्छा बच्चों से कुछ मैं करूं? ठीक है, प्यारे हाँ जी दी। बच्चों आपका कोई बोझ है जिसके लिए आप चाहते हो कि प्रार्थना करें। किनके एग्जाम्स स्टार्ट होंगे अब, सृष्टि के होंगे, परी रूही आपके एग्जाम्स होंगे अब। आवाज, हाँ जी दी दी सृष्टि के एग्जाम्स के लिए। और कोई बच्चे का बोझ है कोई। एग्जाम हुआ ये
एग्जाम। अच्छा, दिया प्रार्थना करना सृष्टि के भी एग्जाम्स है और जूनियर संडे स्कूल में दिया पूछ लो। और परीरूही आपके एग्जाम्स हैं? दीदी हाँ दी, दी परीरूही के लिए भी और मानसी के लिए भी। रोजी आपके चरणों में आते हैं, रोजी मैं के लिए प्रभु जी संडे स्कूल में जो बच्चों ने सीखा है प्रभु जी आप इनकी सहायता कीजिएगा और अपने जीवन में और सके और अच्छे से सुने स्टोरी आगे भी जब बैठते हैं बच्चे प्रभु जी आप इनको समझ दीजिएगा जो वचन इनको जो सुनते हैं प्रभु जी जीवन में लागू कर सके और चलने वाली हो। बहुत सी बातें इनको समझ में नहीं आती प्रभु जी आप इनको समझ दे जो वचन में सुनते हैं जो तो बहन टीचर्स संडे स्कूल की सिखाती है प्रभु जी उनको प्रभु जी और जो वर्ड्स उनको मिलती है वो याद करे अपना जो संडे स्कूल शीट मिलती है समय से पूरा करे और उनको प्रभु जी आप सहायता कीजिएगा जो प्रभु जी इनके जीवन में अभी से प्रभु जी आप काम करिए प्रभु जी आपको जाने अभी से आपके पीछे चलने वाले हो प्रभु जी छोटेपन से आप इनको चुनिएगा प्रभु जी आपके हाथों में सौंपी प्रभु जी और निशा की प्रभु जी ऋषभ को प्रभु छुपाएगा प्रभु जी आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु जी और प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। थैंक यू दी। सब बच्चों को जय मसीह की। जमसी की बोलो आज सब शाम तक जमसी भेज देना की अपनी ड्राइंग में बना के, संडे स्कूल की कॉपी में बना के आज शाम तक भेज देना। ठीक है, जय मसीह की। बाय बाय। हाँ सुनते पेपर ऐसे दे।